हेलो फ्रेंड्स, आपका हर्षिताज किचन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम रेस्टोरेंट जैसी टेस्टी कढ़ी बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अब हम 2 कटोरी दही लेंगे। अब हम 6 चम्मच बेसन लेंगे। अब बेसन को दही के अंदर अच्छे से मिक्स करना है, एक ही राउंड में मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ ना बचे। अब हम इस पेस्ट में 4 कटोरी पानी डाल देंगे। जिस कटोरी से हमने दही लिया था उसी कटोरी से 4 कटोरी पानी लिया है। अब हमने गैस ऑन कर दी है और कढ़ाई रख दी है। इसमें हम तेल डाल देंगे। अब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी राई डाल देंगे। राई डालने के बाद हमने एक हरी मिर्च डाल दी है और कुछ ड्राई कड़ी लीव्स ली है, वो भी डाल दूंगी। मैंने इसमें एक तेज पत्ता डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। 1/2 स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है, मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें कड़ी डाल दूंगी। 1 चम्मच नमक डाल देंगे, थोड़ा सा नमक और डाल देंगे। अब हमारी कढ़ी अच्छे से बॉईल हो गई है। अब हमने कढ़ी को एक बर्तन में निकाल लिया है। कढ़ी को फ्राई करने के लिए हमने गैस फ्लेम ऑन कर दिया है और कढ़ाई को रख दिया है। कढ़ाई गर्म होने के बाद मैं कढ़ाई में ऑयल डाल दूंगी। तेल गर्म होने के बाद मैं जीरा डाल दूंगी, राई डाल दूंगी और कद्दूकस किया हुआ हम अदरक डाल देंगे। बारीक कटे हुए प्याज डाल दूंगी। इसको हल्का ब्राउन होने तक हम सेकेंगे। गैस फ्लेम को स्लो कर देंगे। अब मैं इसमें 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी जो मैंने घर पर ही बनाया हुआ है। 1/2 स्पून गरम मसाला डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब गैस फ्लेम को हाई कर देंगे और कढ़ी डाल देंगे। कढ़ी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आया है। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करना और बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।